दोस्तों जानते हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हम उन बातों को जो कि हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जो बातें अच्छी होती हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जो अफवाहें उड़ती हैं उन पर हम बहुत अधिक फोकस कर लेते हैं। मतलब ये कि वे बातें जो इग्नोर करने योग्य हैं उनको हम दिल पर लेते हैं, और जो बातें हम दिल पर लेने योग्य होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। दुनिया की बातों में हम ज़्यादा उलझ जाते हैं। और लोगों का क्या, लोग पूछते हैं अमरूद मीठे हैं या नहीं हैं, और जब मीठा अमरूद खरीद लेते हैं फिर उसमें उसको नमक लगा के खाते हैं। यानी कि सही क्या है, गलत क्या है, आपके जीवन को कौन सी चीज़ आगे ले जाएगी और किन बातों को अवॉइड करना है, ये एक कला है आपके सोचने का और इसे आपको ज़रूर विकसित करना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज 15 अक्टूबर, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो 14 अक्टूबर को कोर्ट खुल चुके हैं, और हाई कोर्ट खुलने के बाद 14 अक्टूबर को TET 2017 की सुनवाई होनी थी, तो ये सुनवाई तो नहीं हो सकी है, लेकिन आज 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी, और कल के लिए 16 अक्टूबर 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ मैटर पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। रिजवान टीम की ओर से एक लेटर जारी हुआ है, हम लोग इस लेटर को थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि रिजवान टीम लिखती है कि 16 अक्टूबर बुधवार को अपने निर्धारित समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क गेट क्विज होगा, ये कोर्ट नंबर 1 में सुना जाएगा। बुधवार के दिन हाई कोर्ट लखनऊ पीठ में फ्रेश केस नहीं सुने जाते हैं। 16 अक्टूबर की डेली लिस्ट आ चुकी है, और कल यानी कि 15 अक्टूबर की शाम को यानी कि आज एडिशनल केसों की लिस्ट आ जाएगी, और इसी एडिशनल लिस्ट में पासिंग मार्क केस भी लिस्टेड होगा। बुधवार को सिर्फ डेली लिस्ट और एडिशनल लिस्ट में लिस्टेड केसों की सुनवाई होगी। पूरी उम्मीद है कि बुधवार को एक लंबे समय तक सुनवाई चलेगी। विपक्ष की तरफ से मोस्ट सीनियर एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर का सबमिशन अभी आंशिक शेष है, और इसके बाद सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी अपना सबमिशन पूरा करेंगे। इसके बाद विपक्ष का अवशेष सबमिशन कम्प्लीट होगा, यानी कि BED और BTC की ओर से जो सबमिशन बचा रहेगा उसको कम्प्लीट किया जाएगा, और इसके बाद शिक्षा मित्रों के वकीलों का टर्न आएगा और वो लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। फिलहाल माना यह जा रहा है कि दिवाली से पहले इसका जो फैसला होगा वो रिजर्व हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो 16, 17 और 18 अक्टूबर 69,000 शिक्षक भर्ती में लैंडमार्क साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही सामने आएंगी। अभी तक जो भी चीज़ें सरकार की ओर से सामने रखी गई हैं वो इस ओर इंडिकेट करती हैं कि सरकार ने जो कट ऑफ लगाई है उसकी ओर और उसको बचाने के लिए वो जोरदार प्रयास कर रही है। फिलहाल दोनों ही पक्षों का सुना जाना शेष है, अभी सुनवाई बाकी है, और अभी बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर सामने आने वाली हैं। नज़र बनाए रखना होगा और देखते हैं कि इस कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, क्या वो सिंगल बेंच के खिलाफ होगा या फिर एनीवे, देखते हैं कि कोर्ट का डिसीजन क्या होगा और इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। जो भी सुनवाई होगी इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को, और वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है DSSB से, कैट के आदेश के बाद 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। एक्चुअली में नियुक्ति से एक दिन पहले शिक्षक परीक्षा का जो परिणाम था ये रद्द कर दिया गया है, और इसके कारण मंगलवार से नौकरी पर जाने वाले 3,788 निगम के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गई है। एक्चुअली में कैट दैट इज केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने DSSB के निगम प्राथमिक शिक्षक स्कूल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, और इसके बाद तीनों निगमों के नियुक्त होने वाले शिक्षकों की भर्ती पर रोक लग गई है। सभी 3,788 शिक्षकों के लिए निगमों की ओर से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, और एक्चुअली में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की एक अभ्यर्थी ने DSSB द्वारा ली गई परीक्षा के परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों की ओर से दावा किया गया था कि अलग अलग बैच में परीक्षा आयोजित होने के बाद भी कई प्रश्न हर बैच में एक जैसे आए थे। DSSB की ओर से यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी, और क्योंकि यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, तो इसके बाद नोडल एजेंसी दक्षिण दिल्ली ने शिक्षकों को जारी की गई नियुक्ति पत्र को रद्द करने की सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि उन्हें अभी कैट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए उनकी तरफ से
नियुक्ति पत्र को रद्द नहीं किया गया है। पूर्वी दिल्ली की तरफ से इसके बारे में कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों निगमों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम मुख्य नोडल एजेंसी है और DSSB के परीक्षा परिणाम आने के बाद तीनों नगर निगम में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया का इसने ही पूरा किया था। सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के साथ उनका मेडिकल और पुलिस सत्यापन भी निगम ने करा लिया है। DSSB ने पद संख्या 16/17 और 1/18 के वर्ष 2018 में सितंबर अक्टूबर माह में 4 चरणों में परीक्षा आयोजित की थी। सामान्य वर्ग के लिए इसमें 1286, OBC के लिए 1057, अनुसूचित जाति के लिए 616 और अनुसूचित जनजाति के लिए 659 और दिव्यांगों के लिए 170 प्रत्याशियों का चयन इसमें किया गया था। फिलहाल फ्रेंड्स, शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद तीनों नगर निगमों को बड़ा झटका लगा है। निगमों को उम्मीद थी कि नए शिक्षकों की भर्ती के बाद खाली पदों को भरा जा सकेगा, पढ़ाई को लेकर चल रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के नहीं होने के कारण ही शिक्षकों की पदोन्नति का मामला अभी काफ़ी समय से अधर में लटका हुआ है। एक्चुअली में इससे पहले भी 2 बार रद्द हो चुकी है परीक्षा, और पहले 2 बार पेपर लीक होने की वजह से सरकार ने परीक्षा को रद्द किया था। तो ये पूरी जानकारी है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो लोग अपना हौसला बनाए रखेंगे, क्योंकि एक न एक दिन सत्य की जीत जरूर होती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की तस्वीरें अभी साफ नहीं हैं। यानी कि TGT PGT 2019 का विज्ञापन जो जारी होगा उसमें कितने पद होंगे अभी यही स्पष्ट नहीं है, और जब तक यही स्पष्ट नहीं होता है तब तक विज्ञापन कब जारी होगा इसके बारे में ठीक ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि TGT PGT 2016 के लिखित परीक्षा का परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हो पाया है, और अभी ये भी तय नहीं है कि ये परिणाम कब तक जारी होगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट भी नियमित जारी करने लगा है, और इससे चयन बोर्ड की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, 2019 के लिए मांगे गए अध्याचन में बड़ी संख्या में रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को मिली। इन पदों की संख्या इतनी अधिक है, शासन ने भी उसका संज्ञान लिया। पद घटाने के लिए जिलों के टास्क फोर्स का गठन करके जांच कराई जा रही है, और इसके बाद ही चयन बोर्ड शिक्षक चयन पर गंभीर नहीं है। और प्रवक्ता 2016 की लिखित परीक्षा फरवरी और प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT की जो परीक्षा वो मार्च में हुई थी, और इसका परिणाम भी अभी नहीं आया है। फिलहाल परिणाम कब आएगा और नया नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में संदेह है, थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 1 से लेकर 2 महीने के बीच में। LT ग्रेड रिजल्ट जारी करने की कवायद करेंगे तेज, मतलब ये कि कुल मिला के 15 विषयों पर LT ग्रेड के अंतर्गत भर्ती होनी है। जीव विज्ञान के लिए भी परीक्षा करवाई गई थी, तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आएगा, और अगर जीव विज्ञान का रिजल्ट आता है और जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है तो यह एक लैंडमार्क होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके आवेदन विज्ञापन 2016 में रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि एक ही प्रदेश में 2 मानक नहीं चल सकेंगे। अगर जीव विज्ञान के लिए विज्ञापन जो जारी हुआ था LT ग्रेड में, उसकी परीक्षा भी हुई थी, और उसका परिणाम अगर जारी होता है तो निश्चित रूप से 2016 का जो विज्ञापन होगा वो भी बहाल होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज से जो 8 विषय जिनके परिणाम जारी कर दिए गए हैं उनमें से 7 विषयों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी हाल ही में कला विषय का भी परिणाम जारी हुआ था, तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बारे में अभी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। फिर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में मोबाइल बैन हो गया है, और परिसरों में प्रयोग करते समय अगर कोई मिला तो ये जब्त कर लिया जाएगा। पठन पठन का माहौल बनाने के लिए राज्य विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज परिसर में मोबाइल प्रयोग पर रोक लगाई गई है। मोबाइल रखने और परिसर के बाहर प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है, साइलेंट मोड में सभी लोग मोबाइल रख सकते हैं, ऐसा कहना है निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर वंदना शर्मा का। मतलब ये कि मोबाइल लेकर जा सकेंगे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और अगर कोई छात्र या छात्रा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इवन टेक्स्ट के लिए भी करता हुआ पाया गया तो उसका मोबाइल फ़ोन जब्त हो जाएगा, और उसके बाद अभिभावक को ही वापस किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एक कड़ी कार्रवाई मतलब कॉलेज प्रशासन या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर कोचिंग में भी जहाँ पर लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपये फीस देकर जाते हैं, वहाँ पर भी जब शिक्षक आकर पढ़ाते हैं तो लोग बेंच के नीचे मोबाइल रख के चैटिंग करते हैं। दिस इज़ ए बैड हैबिट, इसे छोड़ना होगा।
और फिलहाल आपको विचार करना चाहिए कि इसमें नुकसान किसका होने वाला है। यूपी बोर्ड ने 2003 से 2019 तक के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिए हैं। सचिव नीना श्रीवास्तव की उस जारी सूचना में कहा गया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार के सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और स्वतः अभ्यर्थियों के वर्ष 2003 से 2019 तक के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों का सत्यापन वेबसाइट से कर सकते हैं। इस सत्यापन के बाद किसी छात्र छात्रा का विवरण उसकी ओर से उपलब्ध कराए गए अंक पत्र या प्रमाण पत्र से अलग पाया जाता है तो उसका सत्यापन बोर्ड से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से करा सकते हैं। मतलब ये कि 2003 के बाद और अब तक जितने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो चाहें तो अपनी मार्कशीट को सत्यापित कर सकते हैं, और अगर सत्यापन में कोई दिक्कत है और आपने गलत नहीं किया है तो इसका सत्यापन आपको क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर करवाना होगा। फिलहाल फ्रेंड्स, एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन आज से शुरू हो रहा है। हालांकि विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, पेपर लीक मामले में एसटीएफ और एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। ऐसे में नियुक्ति मिलने तक चरितों की सांसें अटकी रहेंगी। सभी को मामले में एसटीएफ और एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 विषयों के शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी है और बाकी की जो पूरी प्रक्रिया है उससे आप अवगत हैं। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद आयोग ने 7 विषयों का रिजल्ट जारी करते हुए अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया है और ये कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। सत्यापन के बाद आयोग की ओर से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भेजे जाने वाले संस्तुत के आधार पर शासन नियुक्ति का आदेश जारी करता है या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस में 554 हेड कांस्टेबल के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है हिंदी और अंग्रेजी की, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट, और आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष 1 जुलाई 2019 के अनुसार। आवेदन शुल्क जो होगा ये महिला एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम को निःशुल्क होगा और अन्य वर्ग को मात्र ₹100 की फीस देनी है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि ये 14 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक। चयन जो होगा ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट है dailypolice.nic.in। तो फ्रेंड्स ये हैं आज की बड़ी खबरें। आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिली, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।